हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्की पाठशाला। फ्रेंड, टुडे टॉपिक इज यूनिट कन्वर्जन, या कहें इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मीटर को फीट में, मीटर को इंच में, या कहें फीट को मीटर में या इंच को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज हम यहाँ पे दो अलग अलग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। तो पहला मेथड हमारा कहता है, क्योंकि हम जानते हैं एक मीटर बराबर कितना फीट होता है, 3.28 फीट। ये आता कैसे है इसको हम इस वीडियो में निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के पहले आप एक सीक्वेंस याद रखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीटर लिखते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर के नीचे क्या लिखते हैं डिवाइड करके, जो उसके पहले आया रहता है उसको हम डिवाइड करके उसको लिख देते हैं। तो सेंटीमीटर है ये, इसके पहले क्या आया है 200 मीटर आया है, तो सेंटीमीटर के नीचे मीटर लिख देते हैं। अभी आप डिजिट पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। डिजिट के बारे में कैसे आया मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सेंटीमीटर है, इसके पहले जो आएगा उसके नीचे लिख देंगे डिवाइड करके, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का नोटिफिकेशन लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम इंच लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे डिवाइड करके जो इसके पहले आया होगा, जैसे सेंटीमीटर आया इसके पहले तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फीट लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फीट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके पहले जो आया जस्ट आया है उसको हम नीचे लिख देंगे, ये आ गया इंच, ठीक है। अब यहाँ पे वन, ठीक है, मीटर के आगे वन लगा देंगे। अब हम इन दोनों में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे तीन पार्ट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों पार्टों में जो जो सबसे बड़ा होगा उस वहां पे एक लिखेंगे। जैसे सेंटीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो यहाँ पे वन का नोटिफिकेशन लगाएंगे, वन का साइन लगाएंगे, ठीक है। और जिसे यहाँ पे इंच है और सेंटीमीटर में, इंच सेंटीमीटर और इंच में कौन बड़ा है, इंच बड़ा है, तो वहां वन लगाएंगे। फीट और इंच में कौन बड़ा है, फीट बड़ा है, तो वन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन लगाए, वन मीटर हो गया। तो अब हम जानते हैं कि वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। ऐसा हम एक फीट में बात करें, एक फीट में कितने इंच होते हैं, तो हो जाते हैं 12 इंच हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जितने भी यूनिट है उसको काटते हैं। जैसे यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ये इंच है ये इंच कट जाएगा, बचेगा क्या फीट और ये डिजिट बचेगा। तो डिजिट को हम यहाँ नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आया 100, ये फीट, और डिवाइड करने पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 है, ये 2.4, तो 2.4 में नोट कर लिया, ये 12 नोट कर लिया, तो ये 12 नोट हो गया। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब मैं तो सॉल्व करके लिख दिया हूँ, आप कंप्यूटर पे सॉल्व करिएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 3.28 फीट, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि हमको मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है या फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, तो अगर मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3.28 से इनटू कर देंगे, ठीक है। फीट से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3.28 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं हम लोग क्या, सपोज करिए आपको ये 5 मीटर दिया हुआ है, इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है, तो 5 मीटर है इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3.28 ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा दोस्तों 16.4 फीट। इसी प्रकार से आप देखिए फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा 15 फीट लिखा हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 3.28 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया दोस्तों 4.57 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, तो दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है। कैसे 3.28 हम प्राप्त करते हैं, या एक मीटर में 39.37 इंच होता है, तो हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं एक फुट में हमारा कितना होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, या कहें 25.4 एमएम होता है, ठीक है, और एक मीटर में 1000 एमएम होता है, ये तीनों चीज आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मीटर में 1000 एमएम होता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक इंच में 25.4 एमएम होते हैं, तो अगर हम डिवाइड करके 25.4 एमएम से कर दें तो हमारा ये एक मीटर में कितने इंच होते हैं वो निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1000 डिवाइड बाई 25.4 एमएम, ठीक है, जब डिवाइड करके कितना आ जाता है 39.37 इंच, यानी या कह सकते हैं हम एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं, ठीक है। ये तो आप जान गए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
उसके बाद देखते हैं, जैसे हम जान गए एक मीटर में 39.37 इंच होता है, क्योंकि जान गए हम ये जानते हैं कि एक फुट में 12 इंच होते हैं, क्योंकि यहाँ 39.37 इंच है। अगर इसको हम 12 इंच से भाग देते हैं तो हमारा फुट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 39.37 इंच को डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो ये आ जाता है, 200 किलोमीटर पर सॉल्व करिएगा आ जाएगा 3.28 फीट, या कहें एक मीटर बराबर आ गया 3.28 फीट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।